हाँ बच्चों, तो स्टार्ट कर रहे हैं अब अपना टॉपिक एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन फिजियो का फर्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अपना मैंने लास्ट लेक्चर में बताया तुम्हें, क्या बताया था? प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था। अभी अपना सेकंड ह्यूमन फिजियो स्टार्ट कर रहे हैं। प्लांट किंगडम, प्लांट डायवर्सिटी का प्लांट किंगडम पढ़ लिया, प्लांट किंगडम के बाद में ह्यूमन फिजियो, दोनों पैरेलल पढ़ रहे हैं। ह्यूमन फिजियो का एक टॉपिक करेंगे, फिर प्लांट किंगडम करेंगे। प्लांट का भी एक टॉपिक होगा, फिर ह्यूमन फिजियो पे आएंगे, फिर ह्यूमन का एक टॉपिक होगा, फिर प्लांट फिजियो पे आएंगे, ऐसे। तो अभी फर्स्ट टॉपिक है एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब देखो, इसके बारे में मैं सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा जो तुम्हें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन अपने जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखना है। अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, करेक्ट मैच अमॉन्ग द फॉलोइंग। सब देख रहे हो, दिख रहा है क्वेश्चन? अपने पास चार ऑप्शन है। ए फर्स्ट ऑप्शन है, फ्लैट वर्म्स का एक्सक्रेटरी ऑर्गन पूछ रहा है एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, तो लिखा है जनरल बॉडी सर्फेस। बी ऑप्शन है स्पाइडर स्कॉर्पियन थ्रू कॉक्सल ग्लैंड। सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ फ्लैम सेल्स। डी ऑप्शन है इकाइनोडर्म्स मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। क्या है? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। अब बताओ इसके आंसर क्या होने चाहिए सही। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? करेक्ट मैच अमॉन्ग द फॉलोइंग पूछा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसके थ्रू एक्सक्रीट होता है। अभी अपना क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीशन में ह्यूमन का क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? किडनी। किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करता है यूरिन, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी एक्सक्रीट होना है वो किडनी के थ्रू होगा। वैसे ही इन एनिमल के लिए क्या और हो सकता है, किसके थ्रू एक्सक्रीशन होगा, बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब देखो, इसके लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां पे जितने भी एनिमल फाइलम है ना, एनिमल डायवर्सिटी के, अपन पढ़ रहे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। मैं यहां पे एनिमल डायवर्सिटी के फाइलम के हर फाइलम का मैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन बता दे रहा हूं तुम्हें। तो टॉपिक यही है, देखो, वैरायटी ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन। ये तुम्हारे बुक में फर्स्ट पेज में एक्सक्रेटरी सिस्टम के कुछ कुछ दिए हुए हैं, मैं डिटेल में करवा रहा हूं, तुम्हें ये सब याद रखना है। प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, इन तीनों का एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है? जनरल बॉडी सरफेस। इन तीनों का क्या है, ये एक्सक्रीट कैसे करता है वेस्ट प्रोडक्ट को? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। फोर्थ है फ्लैट वर्म्स, फ्लेम सेल्स। एफ फॉर फ्लैट, एफ फॉर फ्लेम सेल्स, ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, जल्दी से लिख लेना तुम लोग अगर जिसे लिखना होगा। एसके एलिमेंट्स, रेनेट सेल, ये तुम्हें सबको रट्टा मारना है। एनिलिडा, नेफ्रिडिया। आर्थ्रोपोड में, आर्थ्रोपोड में अपने पास तीन आ जाएंगे। इंसेक्टा, इंसेक्टा में क्या, दो इंसेक्ट के क्वेश्चन भी आए हैं, सेंटीपीड मिलीपीड। जब ये स्टेट पीएमटी होता था तो इसके क्वेश्चन थे। सेंटीपीड मिलीपीड का क्या है, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन में क्या आते हैं, प्रॉन्स, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड है। स्पाइडर स्कॉर्पियन, कॉक्सल ग्लैंड, स्पाइडर स्कॉर्पियन, कॉक्सल ग्लैंड। मैं बोल रहा हूँ ये तुम अच्छे से याद ध्यान में रखकर भी जाना है, स्पाइडर स्कॉर्पियन का एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। मोलस्का, ऑर्गेन ऑफ बोजैनी। मोलस्का क्या है, ऑर्गेन ऑफ बोजैनी। नेक्स्ट इकाइनोडर्म्स क्या है, जनरल बॉडी सर्फेस। जीबीएस, जीबीएस का मतलब क्या है, जनरल बॉडी सर्फेस। नेक्स्ट में इसके बाद यहाँ पे लिखा है, कंटिन्यू किया है, हेमिकॉर्डेट्स, प्रोबोसिस ग्लैंड, यूरोकॉर्डेट्स, न्यूरल ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड। किसी को दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूरल ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड। सिफेलोकॉर्डेट्स क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया। सिफेलोकॉर्डेट्स, प्रोटोनेफ्रिडिया। वर्टिब्रेट, अपना जो ह्यूमन है वर्टिब्रेट है, उनका क्या है, किडनी। किडनी को भी डेवलप होने में लगा था, मीजोनेफ्रिक किडनी, प्रोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, इस बेसिस पे अपने को इतना डिटेल में जाना नहीं है। ये एक सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं, करेक्ट मैच पूछ सकते हैं तुम्हें। अब बताओ इसके अंदर आंसर क्या होगा, अगर फ्लैट वर्म्स पूछा क्या आंसर, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फ्लेम सेल्स, रॉन्ग है। स्पाइडर स्कॉर्पियन, कॉक्सल ग्लैंड, करेक्ट है। प्रोटोजोआ क्या होना चाहिए, जीबीएस, फ्लेम सेल्स लिखा है। और इकाइनोडर्म्स क्या होगा, जीबीएस, ठीक है। अब देखो इसमें कितने ऐसे फाइलम है जिनका एक्सक्रीटरी पार्ट क्या है, जनरल बॉडी सर्फेस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो अपने पास चार आ गए, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा और नेक्स्ट इकाइनोडर्म्स, जनरल बॉडी सर्फेस। ये चार ऐसे याद रखोगे, एक तुम्हें इस इंपॉर्टेंट स्पाइडर स्कॉर्पियन का याद रखोगे क्या है, कॉक्सल ग्लैंड, और न्यूरल ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड, ये भी एग्जाम में आया, यूरोकॉर्डेट्स का याद रखोगे। अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, एटलीस्ट ये पांच एग्जाम्पल याद रखना, पांच याद रखना है। और फ्लैटवर्म्स का फ्लेम सेल्स, एसके एलिमेंट्स का रेनेट सेल, ये पांच तो याद रखोगे, तीन चार इकाइनोडर्म्स है, और फिफ्थ वाला पार्ट कौन सा रहेगा, यूरोकॉर्डेट्स। ये वाला याद तुम्हें एनिमल डायवर्सिटी में भी हो जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड पार्ट, हाँ देखो बच्चों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट।
ये दो क्वेश्चन है जो पहले बताया था, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दूसरा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड हो सकता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अगर तुमसे ये पूछे इसमें से क्वेश्चन कि बताओ क्या टॉक्सिसिटी सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मींस मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड, तो यही है सीक्वेंस, अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड, ये टॉक्सिसिटी सीक्वेंस है। जैसे मैंने हर फाइलम का तुम्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताया, वैसे ही हर फाइलम का तुम्हें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। तो इनमें जो ये कॉलम में है, ये सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसका है, अमोनिया है इन सब का, और यूरिया किसका है, मैमल्स, तुम्हें पता है मैमल्स अपन लोग का यूरिया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया अर्थवॉर्म कार्टिलेजिनस फिश। यूरिक एसिड किसका है, इंसेक्टा है, इंसेक्टा में कॉकरोच आ जाएगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल, ये चार एग्जाम्पल तुम्हें इसमें याद रखना, यूरिक एसिड मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल, यूरिक एसिड के चार एग्जाम्पल, यूरिया वाले भी चार एग्जाम्पल है, इसके अलावा जितने भी रहेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, अमोनोटेटिक आएंगे, अमोनिया जिसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तुम्हें सीक्वेंस एनिमल डाइवर्सिटी में जब करवाऊंगा तो भी ये सिखाऊंगा क्या क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रोटोजोआ पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा प्लेटफॉर्म्स एसकेएल में, ठीक है, ये तो सबको हो गया यहां तक। देन देखना अच्छे से, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक एम्फीबिया, यहां क्या लिखा है, एक्वेटिक एम्फीबिया, यहां क्या है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, टैडपोल लार्वा क्वेश्चन आया है, क्या होता है, मोनोटेलिक है, लेकिन फ्रॉग जो है यूरियोटेलिक है। नेक्स्ट अर्थवर्म और कार्टिलेजिनस फिश यूरियोटेलिक, इसमें मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, रेप्टाइल्स, बोनीफिश जो है, फ्रेश वाटर बोनीफिश क्या रहेंगे, अमोनोटेलिक, लेकिन मरीन बोनीफिश कार्टिलेजिनस फिश क्या है, यूरियोटेलिक। कुछ डाउट है, ऐसे ही रटने वाला पार्ट है, ध्यान से अच्छे से याद करके रखना है इनका, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, समझ में आ गया सबको, लिख लो ये। हाँ तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं किडनी, तुम्हें पता है कैसा है किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी का दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं इसके लिए, रीनल टर्म यूज करते हैं, तो इसका कैप्सूल है रीनल कैप्सूल, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, तुम्हें स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ किडनी देख रहे हैं, ये इसके अंदर क्या होता है, पिरामिड, ऐसा ही पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्टेक्स इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रीनल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट मेडुला। देखो कॉर्टेक्स और मेडुला डिफाइंड है, आउटर मोस्ट पार्ट जब भी रहेगा तो वो कॉर्टेक्स होगा और इनर पार्ट सेंट्रल पार्ट जो होगा वो मेडुला होगा, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, कॉर्टेक्स पार्ट मेडुला पार्ट। इसके अंदर किडनी के अंदर कितने मिलियन नेफ्रॉन है, ईच किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन, ये तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। और सेकंड, नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सबको समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है। नेक्स्ट पार्ट, ये जो पार्ट है ये रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस, और ये पार्ट जो है वो कैलिक्स बोलते हैं इसे। इंपॉर्टेंट है कि कैलिक्स को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स कितने होंगे, जितने पिरामिड होंगे, और मेजर कैलिक्स क्या होंगे, 2-3 माइनर कैलिक्स मिलकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मेजर कैलिक्स। तो अगर इच पिरामिड सॉरी इच किडनी कंटेन 10 to 12 पिरामिड, और 10 to 12 पिरामिड में कितने होंगे माइनर कैलिक्स, 10 to 12 माइनर कैलिक्स होंगे, और माइनर कैलिक्स अगर 10 to 12 है तो 3 से 4 माइनर कैलिक्स क्या करता है, 3 to 4 माइनर कैलिक्स कंबाइन होकर के मेजर कैलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है क्या, ऐसा ये मेजर कैलिक्स बन रहा है, तो 3 to 4 मेजर कैलिक्स बना, 10 to 12 से 3 to 4 मेजर कैलिक्स बनेगा। तो स्टार्ट में कर रहा हूं फिर से, कॉर्टेक्स था, पिरामिड है, पिरामिड के बाद माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के बाद कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स के बाद ये किसमें ओपन होता है, रीनल पेल्विस के अंदर, रीनल पेल्विस के बाद ये क्या है पार्ट अपना, यूरेटर। तो दो किडनी है, यूरेटर इस साइड से भी आ रहा होगा, वो किसमें ओपन हो जाएगा, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, समझ में आ रहा है, सिंपल सा एनाटॉमी है जो तुम्हें याद क्लियर होना चाहिए सबको। ओके अब देखते हैं हम लोग यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा नेफ्रॉन वाला पार्ट, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाऊंगा जो तुम्हें बताना है कि एब्जॉर्प्शन वगैरह क्या होता है, कैसे कहां पे किस एलिमेंट का, मींस वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां होगा, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कहां हो जाएगा, ये नेफ्रॉन का डायग्राम बना रहा हूं मैं,
इसे क्या बोलते हो बताओ? बोवेन कैप्सूल। ये क्या है? पीसीटी। ये क्या है? बोलो, लूप ऑफ हेनली। फिर डीसीटी, फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हुआ। सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं, इतना कुछ डिटेल में नहीं जाना है। देखो फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें? लूप ऑफ हेनले को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये थिक पार्ट है और ये थिन पार्ट है। लूप ऑफ हेनले की दो पार्ट में, थिक पार्ट, थिन पार्ट। ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है। और ये क्या है? डीसीटी। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट, ये सॉरी ये असेंडिंग पार्ट, ये डिसेंडिंग पार्ट। समझ में आ रहा है क्या? नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट, यहां पे क्या रहेगा? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स आता है, रीनल आर्टरी, एफेरेंट आर्टेरियोल बोलेंगे, और ये जो जा रहा है उसे इफेरेंट आर्टेरियोल बोलेंगे। इफेरेंट आर्टेरियोल, और ये है एफेरेंट आर्टेरियोल। आर्टेरियोल वर्ड क्यों यूज करते हैं? आर्टरी का, आर्टरी के बाद आर्टेरियोल आता है, स्मॉल पार्ट है। एफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल, यहां पर फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो बोमेन कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल। ये एग्जाम में आया, क्या बोलते हैं इसे? मैल्थीजियन कॉर्पस्कल। तो अपना एक एमसीक्यू क्या है? मैल्थीजियन कॉर्पस्कल्स कंसिस्ट ऑफ, मैल्थीजियन कॉर्पस्कल्स कंसिस्ट ऑफ बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, ये जो नेफ्रॉन है ये अरेंजमेंट कहां पे था? अभी मैंने किडनी का डायग्राम बनाया था, तो अपना पिरामिड था ना, नेफ्रॉन ऐसा है अरेंजमेंट। तो पिरामिड वाला पार्ट क्या है? मेडुला वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स वाला पार्ट। तो कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है और मेडुला में नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है, ये अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी लिखा है। मैल्थीजियन कॉर्पस्कल, पीसीटी और डीसीटी। क्या बोला मैंने? मैल्थीजियन कॉर्पस्कल्स, पीसीटी, डीसीटी। ये तीन पार्ट जो है ये क्या है, कहां है? ये वाला पार्ट कहां है? कॉर्टेक्स में। समझ में आ रहा है क्या? और लूप ऑफ हेनले कहां है? मेडुला में। बस ये दो क्वेश्चंस याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया क्या सबको? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, एब्जॉर्प्शन कहां कहां होता है क्या? देखो सबसे पहले ये बताओ कि किडनी को ब्लड सप्लाई क्या है? किडनी को कौन सा ब्लड सप्लाई करती है? ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी है। किडनी कौन सा ऑर्गन है, कैसा ऑर्गन है? रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है या पेरिटोनियल ऑर्गन है? मीन्स ये पेरिटोनियम के पीछे होता है किडनी, किडनी ये बैक पे, बैक साइड है, तो रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं इसे। सेकेंड पार्ट, अब मुझे क्या पढ़ना है? यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है, यूरिन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, यूरिन कैसे फॉर्म होता है? यूरिन फॉर्मेशन पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जब भी यूरिन फॉर्म होता है तो एब्जॉर्प्शन कुछ तो होगा ना, तो ये एब्जॉर्प्शन कितना होता है? सेकेंड पार्ट, ब्लड सप्लाई क्या है? अपना कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर। 5 लीटर में से कितनी ब्लड सप्लाई होती है? किडनी को सप्लाई होता है, तो कितना होता है? 1 लीटर के अप्रोक्स। मीन्स 20% जो 20% कार्डियक आउटपुट का जो है वो सप्लाई हो रहा है कि 1000 ml के अप्रोक्स, किसको, किसे सप्लाई करता है? किडनी। 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट, ये क्या है? रीनल ब्लड। ठीक है, रीनल ब्लड 1000 ml। इसमें इसका 55 to 65% क्या रहता है? प्लाज्मा। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या रहता है? 650 ml अप्रोक्स। ठीक है, और 650 ml का 20% जो रहता है वो क्या रहता है? GFR कहलाता है। और ये GFR कितना होगा? 120 to 125 ml पर मिनट। क्या बोला मैंने, फिर से समझना। कार्डिक आउटपुट अपना क्या था? 5 लीटर था। 5 लीटर का 20% क्या आया? 1000 to 1200 ml के अप्रोक्स क्या रहता है? रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो का प्लाज्मा, रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होगा? 55 to 65%। तो 650 ml आता है क्या? रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो का 20%
जीएफआर कहलाता है। तो जीएफआर का फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 to 125 ml/min। तो ये तीन क्वेश्चन थे, रीनल ब्लड फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, जीएफआर, ठीक है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होगा बताओ, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज जीएफआर अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फॉर्मूला। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज जीएफआर अपॉन आरपीएफ, ओके। हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप के लिए एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीन स्टेप में होता है, फर्स्ट ग्लोमेरुलर सॉरी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड क्या है बताओ, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड पार्ट क्या है सिक्रीशन, ठीक है। पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्ट्रेट, क्या फिल्ट्रेट में पास होता है एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा सब कुछ पास हो जाएगा इसके थ्रू, यहां पोडोसाइट होता है, ठीक है। ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर तीन मेम्ब्रेन है, तीन मेम्ब्रेन से बना है, कौन सा, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स का एंडोथीलियम, सेकेंड पार्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसका फिर एपिथीलियम, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का एंडोथीलियम, बोमेन कैप्सूल का एपिथीलियम, बीच में क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा है क्या। तो फिल्ट्रेशन हो गया, प्रोटीन कभी भी फिल्ट्रेट नहीं होगा, प्रोटीन कभी भी फिल्ट्रेट नहीं होगा। अगर प्रोटीन आ रहा है तो उसे प्रोटीन एरिया, प्रोटीन यूरिया वर्ड यूज करेंगे, और वो एबनॉर्मल कंडीशन होगा प्रोटीन जब भी फिल्ट्रेट होगा तो। अब समझना, बोमेन कैप्सूल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, रीएब्जॉर्प्शन कुछ होगा, कुछ पार्ट सिक्रीट आ जाएगा, इसमें सिक्रीट होगा, यहां पर नहीं, इसमें देखो ये पीसीटी पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्रिब्यूल, पीसीटी पार्ट, यहां पर क्या क्या रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, दो ही पॉइंट याद रखना है, इतना कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट और वॉटर, वॉटर और इलेक्ट्रोलाइट, कितना परसेंट रीएब्जॉर्प्शन होता है इसका, 60 to 70%। मैं क्या बोलूंगा इसके लिए वर्ड, कभी कभी ये भी एग्जाम में यूज करते, टू थर्ड पार्ट रीएब्जॉर्प्शन किसका, वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का टू थर्ड पार्ट रीएब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है, यहां पर पीसीटी पे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिंस, विटामिंस हटा देता हूं मैं, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो 100% रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्या क्या, ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे 100%। एक क्वेश्चन और आया है कि कौन सा वाइटामिन रिलीज हो जाएगा इसमें, पास कर सकता है यूरिन के थ्रू, तो जो भी वाटर सोल्युबल वाइटामिन होगा वो पास कर सकता है यूरिन के थ्रू, कौन सा वाटर सोल्युबल वाइटामिन होता है, बी एंड सी कैन पास थ्रू यूरिन, बट ए डी ई के जो फैट सोल्युबल वाइटामिन है वो कभी रिलीज नहीं हो सकता, पास नहीं कर सकता यूरिन से, क्योंकि फैट सोल्युबल है। वाटर सोल्युबल वाइटामिन बी एंड सी कैन पास थ्रू यूरिन, वाइटामिन का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ पर पीसीटी में। तो पीसीटी के लिए चार पार्ट याद रखो, ग्लूकोज अमाइनो एसिड 100% रीएब्जॉर्प्शन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट 60 to 70% रीएब्जॉर्प्शन, टू थर्ड पार्ट रीएब्जॉर्प्शन। और सिक्रीट क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन में H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, ह्यूपुरिक एसिड, देखो ये टॉक्सिक है, अपने को सिक्रीट करवाना है, H+ भी सिक्रीट करवाना है, ह्यूपुरिक एसिड भी सिक्रीट कराना है, जितने भी ड्रग्स वगैरह होंगे ना सारे सिक्रीट होंगे पीसीटी के थ्रू। अब तुम्हारा डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ग्लूकोफेनले होगा, मेनली किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का। असेंडिंग पार्ट ऑफ ग्लूकोफेनले में क्या होगा रीएब्जॉर्प्शन, मेनली इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम एंड क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन होगा। और तुमसे पूछा जाए मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है, तो क्या बोलोगे आंसर, असेंडिंग पार्ट ऑफ एनलेज लूप, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, असेंडिंग पार्ट ऑफ एनलेज लूप रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम लिखा है मैंने, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्प्शन, और बाइकार्बोनेट भी, यहां पर भी बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब होता है, थोड़ा सा बाइकार्बोनेट यहां पर रीएब्जॉर्ब होता है, 10% रीएब्जॉर्प्शन यहां पे होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, और सोडियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होगा, वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा, यहां पर एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट होगा, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहां रीएब्जॉर्प्शन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है बताओ, किसके थ्रू होगा, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म के थ्रू, और पोटेशियम एक्सक्रीट होता है, मींस पोटेशियम सिक्रीट होता है, और सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, साथ में बाइकार्बोनेट भी रीएब्जॉर्ब होता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एडीएच के इन्फ्लुएंस में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा और यूरिया रीएब्जॉर्ब होगा, समझ में आ गया।
यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तुम्हें ये डायग्राम बना के दे देंगे और पूछेंगे कौन सा पार्ट रॉन्ग है, रीअब्जॉर्प्शन का कौन सा पार्ट करेक्ट है, कहां पर क्या रीअब्जॉर्प्शन होगा। टू वॉटर और सोडियम क्लोराइड जो रीअब्जॉर्ब होता है वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब कहां होता है, पीसीबी में। ऐसे तुम देखो तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीबी। आंसर क्या होगा, पीसीबी। पीसीबी दे देंगे, लूप ऑफ एलए दे देंगे, डीसीबी देंगे। लूप ऑफ एलए का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करता है। लूप ऑफ एलए देखो, वॉटर अगर रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा तो अपना जो फिल्ट्रेट होगा यहाँ पर जो फॉर्म हुआ रहेगा उनका ऑस्मोलैरिटी मैक्सिमम होगा ना, ये 300 होता है। तुम बताओ अगर अपना प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 290 to 300। तो अगर यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 300 है, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, 300 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्ब क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है और वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो वाटर भी आ गया, सोडियम क्लोराइड भी आ गया, तो फिल्ट्रेट में ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहेगी 300। लेकिन अब देखो यहाँ पे बस वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो वाटर रीअब्जॉर्ब होने से इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी ना, कॉन्सेंट्रेशन इसका इंक्रीज होगा। वाटर ले लिया ना मैंने, खींच लिया, तो ये 300 से 1200 हो जाता है। फिर NaCl आ गया, तो NaCl रीअब्जॉर्ब हो गया तो फिर से कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, फिर यहाँ कुछ कमी हो जाएगा 300 to 200 के अप्रॉक्स। समझ में आ रहा है क्या, और कम हो जाएगा यहाँ पर, फिर वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन फिर से इंक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होकर के इसीलिए अपना यूरिन जो प्रोड्यूस होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। जितना ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा कलेक्टिंग शेड्यूल में उतना ही ज्यादा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा। समझ में आ गया क्या आप सबको? ओके, हाँ तो अभी यूरिन फॉर्मेशन हो गया, अभी मैं अपन देखेंगे करेक्ट मैच क्वेश्चन है अपना। करेक्ट मैच पूछा है, दो क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट मैच है ये। और सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडीएच। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अपना जो लास्ट यूरिन फॉर्मेशन वाला पार्ट था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। पीसीपी है, डिसेंडिंग लूप ऑफ एलए है, असेंडिंग लूप ऑफ एलए है, डीसीटी है। डीसीटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रॉक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि करेक्ट मैच इसमें से कौन सा है, कॉन्सेंट्रेशन और यूरिन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। बताओ, मैंने बोला था पीसीटी जब तुम पास कर रहे हो, कहां पे लिखूं मैं, ये दिख रहा है सबको, ये देखना, पीसीटी से जब पास कर रहा था, पीसीटी से जब पास कर रहा था तो क्या हो रहा था, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, NaCl रीअब्जॉर्ब हो रहा था, वॉटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा था ना, 60 to 70% रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी, वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर वॉटर भी 60% रीअब्जॉर्ब हो गया, NaCl भी रीअब्जॉर्ब हो गया, सबसे पहली बात ये समझने से पहले, सबसे पहली बात ये समझना कि जब भी वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो यूरिन का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जब भी वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो फिल्ट्रेट में यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो जो फिल्ट्रेट होगा वो अपना मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन का वॉल्यूम उतना ही रहेगा, जितना होना था उतना ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने बोला NaCl रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या होगा, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा ना, NaCl कम हो रहा है और सोडियम क्लोराइड ही तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि NaCl इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने NaCl खींच लिया, विथड्रॉ रीअब्सॉर्ब कर लिया, तो अपना यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सोचो पीसीपी में NaCl भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वॉटर भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यूरिन का इंक्रीज होगा। NaCl रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, NaCl रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, दोनों एक दूसरे को मेंटेन कर लिया, तो इसलिए ऑस्मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट पीसीटी में। ये करेक्ट है, समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट यूरिन वॉल्यूम, मैंने बोला जब भी वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो यूरिन का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, यूरिन वॉल्यूम डिक्रीजेस, यानी ये वाला मैच करेक्ट है। समझ में आया क्या, यूरिन वॉल्यूम कब बोलोगे डिक्रीज, जब भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिन का वॉल्यूम ऑब्वियसली कम होगा। नेक्स्ट डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एलए, क्या है डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एलए में क्या रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा ना, वाटर खींच लिया मैंने, पानी खींच लिया तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। देखो इंक्रीज क्या है और क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने के साथ साथ यूरिन का वॉल्यूम भी तो कम हो रहा है, यानी ये भी मैच करेक्ट है। समझ में आ रहा है। थर्ड पार्ट, थर्ड ऑप्शन क्या है,
असेंडिंग लिंब ऑफ लुकोफेन ले, क्या हो रहा होगा वहां पे? एनएसीएल रीअब्सॉर्ब हो रहा होगा, एनएसीएल रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। अब बताओ यूरिन का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा? हाँ कॉन्स्टेंट रहेगा सर। क्यों कॉन्स्टेंट रहेगा? क्योंकि वॉटर रीअब्सॉर्ब नहीं होता है, असेंडिंग लिंब ऑफ लुकोफेन ले इज इम्परमिएबल फॉर वॉटर एंड डिसेंडिंग लिंब ऑफ लुकोफेन ले इज इम्परमिएबल फॉर सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तो यहां पर ये भी करेक्ट मैच हो गया, समझ में आ रहा है सबको? डीसीटी का प्रॉक्सिमल पार्ट मैंने देखो अभी लास्ट वाले डायग्राम में जो बोर्ड पे लिखवाया था वहां पे डीसीटी के प्रॉक्सिमल पार्ट में केवल क्या रीअब्सॉर्ब कराया था? एनएसीएल। अगर एनएसीएल रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो व्हाट यूरिन का वॉल्यूम सॉरी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एनएसीएल कम हो रहा होगा और यूरिन वॉल्यूम क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। क्यों? वॉटर तो रीअब्सॉर्ब हुआ नहीं है। सेम देखना डिस्टल पार्ट में मैंने एनएसीएल भी रीअब्सॉर्ब कराया, वॉटर भी रीअब्सॉर्ब कराया, तो एनएसीएल रीअब्सॉर्ब होने से कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर रीअब्सॉर्ब होने से कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा और वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो यूरिन का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में हो क्या रहा था? कलेक्टिंग डक्ट याद करो, वाटर बस रीअब्सॉर्ब हो रहा था, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा था एडीएच के इन्फ्लुएंस में। अगर वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा इसका, और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिक्रीजेस। तुम्हें इसके लिए कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें बस ये ध्यान में रखना है जब भी वाटर रीअब्सॉर्ब हो तो यूरिन का वॉल्यूम कम होगा, जब भी वाटर रीअब्सॉर्ब ना हो तो यूरिन वॉल्यूम क्या रखना है? यूरिन का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखना है। जब भी वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, जब भी एनएसीएल रीअब्सॉर्ब होगा तो भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को? ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अपना, देखो रीड करो पहले सब लोग, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडीएच? एडीएच आ गया क्वेश्चन में। एडीएच, एडीएच का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन और एडीएच, एडीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन। अब इसका मतलब क्या है? देखो एंटी डायूरेसिस, नेम से ही मतलब पता चल जाएगा, ये डायूरेसिस को स्टॉप प्रिवेंट करता है और डायूरेसिस का मतलब यूरिन के वॉल्यूम को कम करता है, मींस क्या करेगा? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर में हेल्प करेगा। तो एडीएच के बारे में क्या बताया था? ये क्या काम करता है? वॉटर का रीअब्सॉर्प्शन कराता है, कहां से? कलेक्टिंग डक्ट से। समझ में आ रहा है क्या? कलेक्टिंग डक्ट से क्या रीअब्सॉर्ब कराता है? वॉटर को रीअब्सॉर्ब कराता है विद द हेल्प ऑफ एक्वापोडिंग चैनल। ये एक्वापोडिंग चैनल के हेल्प से वॉटर को रीअब्सॉर्ब कराता है। जितना ज्यादा एडीएच सिक्रीट होगा उतना ही ज्यादा वॉटर रीअब्सॉर्ब होगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा वॉटर रीअब्सॉर्ब होगा उतना ही ज्यादा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। और वॉटर रीअब्सॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर? एडीएच, एडीएच। और ये चैनल कौन सा है? एक्वापोडिंग चैनल। और ये कहां से रिलीज होता है? तो पहले ये फॉर्म कौन करता है? हाइपोथैलेमस से फॉर्म होता है एडीएच, और रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइपोथैलेमस, ये अपन एंडोग्राम में भी पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने? हाइपोथैलेमस से में फॉर्म होता है और रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। एडीएच कब रिलीज होगा अपने बॉडी में? एडीएच कब रिलीज होगा अपने बॉडी में? जब अपना देखो ये क्या कर रहा है, वॉटर को रीअब्सॉर्ब करवा रहा है ना। वॉटर रीअब्सॉर्प्शन कब चाहिए अपने को ब्लड में? सॉरी, वॉटर कब चाहिए? जब ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा हो, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा होगा या ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा तभी मेरे को वाटर रीअब्सॉर्ब करना है अपनी बॉडी में, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो व्हेनेवर ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस देन एडीएच स्टिमुलेट। ठीक है, एडीएच रिलीज होगा। एडीएच रिलीज होगा कब? जब बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम कम होगा। बीपी ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जब भी कम होगा तो एडीएच रिलीज होना स्टार्ट होगा। कौन रिलीज करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। फॉर्म कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। तो बीपी अगर इंक्रीज है या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज है तो कभी भी एडीएच रिलीज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। करेक्ट है, कौन सिंथेसाइज करता है? हाइपोथैलेमस, सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्ट ऑन पीसीटी एंड डीसीटी, किससे एक्ट करता है? कलेक्टिव डक्ट पे। रॉन्ग स्टेटमेंट, सी ऑप्शन देखो। हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच लीड्स टू इंक्रीज बीपी एंड डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अब अगर सिक्रीशन कम हो जाए एडीएच का सिक्रीशन कम हो गया, एडीएच गया, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। वाटर अगर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्या? ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो रहा है ना, ये ब्लड के अंदर आ रहा है, फिल्ट्रेट से ब्लड के अंदर आ रहा है तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है ना। तो हाइपोसिक्रेशन मैंने बोला क्या? हाइपोसिक्रेशन का मतलब क्या है?
लेस सिक्रेशन, एडीएच नहीं है तो वॉटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, वॉटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं होगा, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। तो ये क्या लिखा, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, एडीएच लीड्स टू इंक्रीज बीपी एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, रॉन्ग है ना, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, वॉटर तो रहेगा ही, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ADH has dilatation effect on blood vessels. ये wrong है। ADH का दूसरा नाम क्या है? Vasopressin. Vasopressin का मतलब vasopressor effect होता है। Vasopressor का मतलब constrictory effect होगा। Means ये blood vessels को constrict करता है ना कि dilate करता है। तो ये statement इसलिए wrong है क्योंकि blood vessels को constrict करेगा और constrict करके ये क्या करता है? BP increase करवाता है। क्या करेगा? BP increase कराएगा। ADH वाला questions बहुत important है, इसलिए मैंने करवाया। ये ध्यान में रखना है ADH का effect। ADH BP इंक्रीज कराएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कराएगा, ADH कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा, ADH कहां से फॉर्म होता है? हाइपोथैलेमस में फॉर्म होता है, ADH पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा, PCT-PCT पे एक्ट नहीं करेगा। जब भी ADH का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ADH का लेवल बढ़ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ADH कम हो गया, कब होगा ADH कब? व्हेनेवर वी टेक टी एंड कॉफी, टी कॉफी इंटेक करते हैं तो ADH कम हो जाता है, तो वॉटर रीअब्सॉर्ब नहीं होता है, वॉटर ज्यादा रिलीज होगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा। समझ में आया? ADH का लेवल कम होने से डायबिटीज इंसिपिडस भी होगा, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस का सिम्टम क्या होगा? पॉलीयूरिया, मींस यूरिन बहुत ज्यादा फॉर्म होगा। क्यों यूरिन फॉर्म होगा? क्योंकि वाटर रिलीज नहीं, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो वाटर रिलीज होगा यूरिन के थ्रू, ठीक है। कुछ भी डाउट है? अपना फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ये PCT-PCT वाला क्या करेक्ट होना चाहिए? कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा। हाइपोसिक्रेशन जब कम होगा सिक्रेशन, तो बीपी क्या हो जाएगा? कम होगा और ब्लड वॉल्यूम कम होगा, इसलिए रॉन्ग है। ओके, हाँ देखो, अब जेजी एपरेटस के बारे में बात कर लेते हैं। जेजी एपरेटस, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है? इसमें तीन पार्ट होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैकुला डेंसा सेल्स, लैसिस सेल्स, ठीक है। ये कहां पे होता है? जेजी सेल्स कहां होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। और ये मैकुला डेंसा सेल्स डीसीटी में होता है, डीसीटी पे होता है, ये ग्लोमेरुलस के अंदर और ये इन दोनों के बीच में, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स कहां पे रहेगा? ग्लोमेरुलस वोमेन कैप्सूल वाला पार्ट में, मैकुला डेंसा सेल्स डीसीटी में, लैसिस सेल्स इन दोनों के बीच में रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें? पता है कि नेफ्रॉन दो पार्ट के होते हैं, नेफ्रॉन का दो टाइप का होता है नेफ्रॉन, कौन सा? एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जिनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होगा उसे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन बोलेंगे, जिनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होगा उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितना परसेंट होता है? 85%। और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, जेजी नेफ्रॉन कितना है? ये कितना है, कितने परसेंट होता है? 15%। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 10-15% ऑप्शंस में रहेंगे। तुम्हारे पास जो मैं अभी क्वेश्चंस कराया था, एक रीनल ब्लड फ्लो वाला, वो तुम्हारे एनसीईआरटी में 1100-1200 ml है, मींस 20-25% ही हुआ ना। कार्डियक आउटपुट कितना है अपना? 5 लीटर। इसका 20-25% क्या रहेगा? 1100-1200 ml रीनल ब्लड फ्लो। तो वो मैंने 1000 ml कराया, वो भी करेक्ट है, 1100-1200 ml तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है। फिर उसका 65% है 650 ml रीनल प्लाज्मा फ्लो, और रीनल प्लाज्मा फ्लो का 20% 125 ml GFR था। तो जेजी एपरेटस इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, समझना है इसे। जब भी ये अपना पढ़ रहे हैं, अपनी क्या रास मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम मैकेनिज्म, क्या क्या बोला मैंने? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि रेनिन कौन रिलीज करता है? तो रेनिन रिलीज करता है कौन? जेजी सेल्स, ठीक है। अब रेनिन कब रिलीज होता है? इंपॉर्टेंट ये भी है, रेनिन कब रिलीज होगा? जब भी ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम हो रहा था तो एक और हार्मोन रिलीज हो रहा था, कौन सा? एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन। वो भी कब रिलीज होता है? जब ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर जब भी कम होगा तो रेनिन रिलीज होगा। ये रेनिन कब रिलीज होगा?
ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम होगा। अब बताओ ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम हुआ कैसे पता चला कि जीजी सेल्स को ग्रेनिन रिलीज करना है, ये कौन पता करता है? मैकुलर डेंसा सेल्स। जब भी ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम होता है तो मैकुलर डेंसा सेल्स डिटेक्ट कर लेता है कि ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो वो सिग्नल भेजता है जीजी सेल्स को और क्या बोलता है रिलीज करना है, रेनिन रिलीज करना है। रेनिन जब रिलीज होता है तो ये कहां जाएगा, ब्लड में आ गया, रेनिन ब्लड में आ गया। एक मिनट, समझना इसे। जेजी सेल्स क्या रिलीज कर दिया है, जेजी सेल्स क्या रिलीज किया है, रेनिन। रेनिन कब रिलीज हुआ, व्हेनेवर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर रिलीज कम हुआ है तो रेनिन रिलीज हुआ। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करता है। किसे कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करता है, कौन, रेनिन। ये कहां से आया, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये लिवर में हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है लिवर में हो रहा है। एंजियोटेंसिन भी ब्लड से के थ्रू पास हुआ और ब्लड से ये कहां आ गया, लंग में, लंग्स में आ गया, लंग्स में एंजियोटेंसिन वन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एंजियोटेंसिन टू में। किसमें कन्वर्ट हो गया, एंजियोटेंसिन टू में। क्या बोला फिर से देखो, जेजी सेल्स रिलीज करेगा रेनिन, कब रिलीज करेगा, जब ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम होगा, रेनिन रिलीज होगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रोसेस कहां हो रहा है, लिवर में, एंजियोटेंसिन वन लंग्स में आएगा, ब्लड के थ्रू ये सब हो रहा है, ब्लड के थ्रू पास हो रहा है। एंजियोटेंसिन वन एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे कन्वर्ट करने वाला एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस एंजाइम बोलेंगे। ये एंजाइम ही यहां पे होता है इसलिए प्रोसेस यहां पे हो रहा है। क्या बोला, एसीई का फुल फॉर्म एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन टू जो है ये क्या है, पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ये क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। साथ में रेनिन का और क्या काम है, रेनिन का दूसरा काम है क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है, मींस एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज करवाता है। और एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होगा तो डीसीटी में जो मैंने तुम्हें बताया था सोडियम और क्लोराइड और वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाएगा। तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, एनए सोडियम प्लस वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। वाटर रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम कम था, क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है, जब भी सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन, ब्लड में सोडियम इंक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर दोनों इंक्रीज करेगा, कौन, एल्डोस्टेरोन से। एल्डोस्टेरोन साथ में क्या करता है, एल्डोस्टेरोन का दो इफेक्ट है, सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाना और पोटेशियम को एक्सक्रीट कराना। तो पोटेशियम को फिर से डीसीटी के अंदर भेज देगा तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सोडियम वाटर इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज पोटेशियम आयन। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको। रेनिन क्या कर किया, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाया, एल्डोस्टेरोन क्या काम किया, सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया, रीअब्सॉर्ब होने से सोडियम और वाटर ब्लड में इंक्रीज हो गया, ब्लड में वाटर इंक्रीज होने से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा था, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करवा दिया। साथ में ये पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाता है, पोटेशियम रिलीज करवाता है किसमें, डीसीटी के अंदर। तो डीसीटी के अंदर पोटेशियम चला गया तो ब्लड में पोटेशियम क्या हो गया, कम हो गया। तो पोटेशियम लिखा मैंने डिक्रीजेस पोटेशियम आयन। कुछ डाउट है, इसके बाद देखो अब बताना, जब भी ये एक्टिवेशन मैकेनिज्म चल रहा है तो अपने बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म तो होगा ना, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा था, मैंने बोला ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, कौन बढ़ाया, कौन बढ़ाया, रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन, रेनिन एंजियोटेंसिन टू एल्डोस्टेरोन, ये करवाया। अब ऐसे तो ब्लड प्रेशर हमेशा इंक्रीज होगा ना, ऑलवेज ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। तो अपना तीसरा हॉर्मोन का इफेक्ट होगा, कौन सा हॉर्मोन है, एएनएफ। एएनएफ का दूसरा नाम क्या है, एट्रियल नैट्रियूरेटिक फैक्टर, एएनएफ, ये रिलीज होता है। इसका काम क्या है पता है, जस्ट ऑपोजिट काम है। ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर जब भी इंक्रीज होगा ना तब ये एएनएफ रिलीज होगा। ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर इंक्रीज कौन करवा रहा था, रेनिन इंक्रीज कर रहा था। तो रेनिन मैकेनिज्म को स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप रास मैकेनिज्म, कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हुआ, कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, एएनएफ।
ये क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर सबको कम कर देगा, फिर से नॉर्मलाइज कर देगा, नॉर्मल लेवल पे ला देगा। पहले ब्लड वॉल्यूम कम था, रेनिन रिलीज हुआ, एल्जोस्ट्रॉम काम किया, एंजियोटेंसिन काम किया, ये क्या कर दिया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो फिर से एएनएफ इंक्रीज हुआ, एएनएफ रिलीज हुआ, एएनएफ क्या कर दिया, फिर से ब्लड प्रेशर को लो कर दिया, तो नॉर्मल लेवल पे लाके रख देता है। कौन सा, एएनएफ। तो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैंने ये क्वेश्चन करवाने के लिए तुम्हें बताया ये, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर ट्रू अबाउट एएनएफ, बताओ क्या होना चाहिए, ये करेक्ट है क्या। फर्स्ट स्टेटमेंट, डिक्रीजेस जीएफआर, एएनएफ जीएफआर को कम करेगा, हाँ करेगा ना, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम को क्या करेगा, ये कम कर रहा है तो जीएफआर भी कम हो जाएगा, करेक्ट है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को कम करता है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, करेक्ट है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर को कम करेगा, रास को स्टॉप करना है तो ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, करेक्ट है क्या, देखो रास को अगर स्टॉप कर दिया, सॉरी रास को अगर स्टॉप कर दिया तो एल्जोस्ट्रॉम कम हो जाएगा, एल्जोस्ट्रॉम कम हो जाएगा तो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो सोडियम एक्सक्रीट होने लगेगा ना, तो सोडियम एक्सक्रीशन करेक्ट है। इसके बाद डिक्रीज एल्जोस्ट्रॉम लेवल इन ब्लड, करेक्ट है, एल्जोस्ट्रॉम को तो कम कर दिया ना। नेक्स्ट, डिक्रीज पोटेशियम इन ब्लड, पोटेशियम को एल्जोस्ट्रॉम एक्सक्रीट करवा रहा था तो ब्लड में पोटेशियम कम हो रहा था, एल्जोस्ट्रॉम का इफेक्ट क्या होगा, ब्लड में पोटेशियम कम कर देगा, तो यहां ब्लड में पोटेशियम क्या लिखा है, कम कर देगा, ये तो एल्जोस्ट्रॉम का जस्ट ऑपोजिट है ना, तो ये ब्लड में पोटेशियम को इंक्रीज करता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इनहिबिट रेनिन सीक्रेशन, करेक्ट है, रास को इनहिबिट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, करेक्ट है। समझ में आया कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर किसी चीज में डाउट होगा कोई से ऑप्शन में तो पूछ ले। देखो तो अभी अपना इसका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स, इसके अलावा जो भी एनसीईआरटी में होगा वो तुम खुद से पढ़ सकते हो, इजी टॉपिक है। डिसऑर्डर्स एक लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, डिसऑर्डर्स में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, क्या होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ठीक है। यूरिमिया का मतलब क्या है, ब्लड में यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, अगर अपना किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ब्लड में यूरिया का लेवल कम हो गया, यूरिनिया, ये कंडीशन आगे चल करके रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, अक्यूट रीनल फेलियर को क्रोनिक रीनल फेलियर, जिसमें एआरएफ लिख रहा हूं मैं, अक्यूट रीनल फेलियर, इसमें होगा क्या, क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है एआरएफ, अक्यूट रीनल फेलियर, अक्यूट रीनल फेलियर क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, याद करो मैंने ये एक्सक्रीट करवाया था पीसीटी में, इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। रीनल कैल्कुलाई किससे बना है, कैलकुलस स्टोन, रीनल स्टोन मोस्ट कॉमन कंडीशन है, पेन होता है इसमें, बैक पेन, यहां पे पेन होगा, और वो किसका बना है, कैल्सियम ऑक्सेलेट का क्रिस्टल का बना होता है, कैल्सियम ऑक्सेलेट क्रिस्टल का बना है, और ये मोस्टली कैल्सियम ऑक्सेलेट किसमें होता है, टोमेटो, अगर टोमेटो ज्यादा ले रहे हैं तो कैल्सियम ऑक्सेलेट का क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है रीनल कैल्कुलाई। हिमैच्यूरिया, हिमैट्यूरिया या हिमैच्यूरिया क्या बोलोगे, आरबीसी इन ब्लड यूरिन, सॉरी आरबीसी इन यूरिन, या सिंपल तुम ये बोलो कि ब्लड में अगर सॉरी यूरिन में अगर ब्लड आ गया तो हिमैट्यूरिया बोलेंगे। ए यूरिया और ऑलिगो यूरिया, ऑलिगो यूरिया इन जनरल 1.5 to 2 लीटर यूरिन पर डे रिलीज होता है, तो ऑलिगो यूरिया लेस देन 500 ml यूरिन अगर होगा पर डे रिलीज होगा तो ऑलिगो यूरिया बोलेंगे, और ए यूरिया का मतलब ए मींस नो एब्सेंट, नो यूरिन, देन ए यूरिया। लास्ट इसका एक और है पॉलीयूरिया, मोर देन 5 लीटर यूरिन पॉलीयूरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू लेस डिक्रीज हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, और नेक्स्ट क्या डायबिटीज मेलिटस, उसमें भी पॉलीयूरिया होता है। और अब तुम्हारे पास लास्ट है मैच्यूरेशन का भी मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैच्यूरेशन का मैकेनिज्म क्या है, किडनी है, ये यूरेटर है, यूरेटर दो यूरेटर है, ओपन हुआ यूरिनरी ब्लैडर में, यहां पे ये जो है स्ट्रेच रिसेप्टर है, तुमसे एग्जाम में ये भी पूछा है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, किसके थ्रू यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है, यूरेटर के थ्रू, यूरिन यहां पे आ गया, स्टोर्ड स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन को स्टोर करके कौन रखता है, यूरिनरी ब्लैडर, यहां पर यूरिन स्टोर रहेगा।
अब मुझे मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स कब आएगा, जब भी यूरिन यहाँ पे अकुमुलेट हो रहा है, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ये हाइपोथैलेमस को अपने ब्रेन को सिग्नल देगा, ब्रेन को सिग्नल देने के बाद यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स होगा, यहाँ का स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यूरिन पास होगा जिसे मैच्यूरेशन बोला। क्वेश्चन ये आया, मैच्यूरेशन में अगर मैंने स्ट्रेच रिसेप्टर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्या किया मैंने, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, स्ट्रेच रिसेप्टर को अगर रिमूव कर दिया, स्ट्रेच रिसेप्टर रिमूव, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर अगर हटा दिया गया तो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है यूरिन यहाँ पे भर रहा है, अकुमुलेट हो रहा है यूरिन, तो यूरिन अकुमुलेट होता रहेगा, अपना हाइपोथैलेमस को सिग्नल जा पाएगा क्या, स्ट्रेच रिसेप्टर ही नहीं है तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा नहीं, फिर वो सिग्नल भेजेगा नहीं तो अपना ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं तो रिलैक्स, और ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा नहीं तो यूरिन पास नहीं होगा, मीन्स मैच्यूरेशन नहीं होगा, तो रिमूव कर दिया, देन देयर विल बी नो मैच्यूरेशन, यही आंसर होगा। कभी भी ये क्वेश्चन आए, इफ स्ट्रेच रिसेप्टर रिमूव देन देयर विल बी नो मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर है नहीं, सिग्नल नहीं गया तो यूरिन तो यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएगा लेकिन आगे पास ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रेन सिग्नल नहीं दिया है, समझ में आ रहा है। एक और है, इफ वन किडनी इज रिमूव्ड देन कुछ नहीं, पर्सन सर्वाइव करेगा, तो तुम्हारे पास स्टेटमेंट ऑप्शन में ये रहेगा, पर्सन विल सर्वाइव, एक किडनी अगर रिमूव कर दो तो एक किडनी पे सर्वाइव कर सकता है पेशेंट, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो गया, मैंने क्या क्या तुम्हें रखा है पढ़ने के लिए, तुम्हें पढ़ना होगा एक काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा और मिसलेनियस वाला पार्ट होगा, वो तुम खुद से पढ़ लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस इतने सारे आएंगे, जिस जिस पार्ट से नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है।